नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी। तो वक्त हो चला है प्रदेश की बड़ी खबरों पर नजर डालने का, तो चलिए सीधा नजर डालते हैं। नेपाल के पीएम के बयान पर भड़ के अयोध्या के संत। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दावा किया कि भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण के लिए नकली अयोध्या का निर्माण किया, जबकि असली अयोध्या नेपाल में है। इस बयान के बाद भारत और रामलला की नगरी अयोध्या में उबाल आ गया। अयोध्या की जनता और संत आक्रोशित हो उठे। सबने एक सुर में कहा कि नेपाल पीएम केपी शर्मा ओली अपने इस गलत बयान पर माफी मांगे, नहीं तो संत धार्मिक आंदोलन छेड़ेंगे। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या नेपाल के वाल्मीकि आश्रम के पास है। इस पर अयोध्या के संतों ने पीएम ओली को चेताया कि हमारे धार्मिक स्थलों के बारे में टिप्पणी करना नेपाल को महंगा पड़ेगा। अयोध्या के बारे में वेदों शास्त्रों ग्रंथों में लिखा है। संतों ने कहा कि चीन ने नेपाल की मानसिकता दूषित कर दी है। हनुमानगढ़ी के महंत ने नेपाल के प्रधानमंत्री से माफी मांगने के लिए कहा है। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ओली से कहें कि वह माफी मांगे। इसका साधु संतों और हिंदू जनमानस में बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यह हमारे आराध्य का अपमान है। नेपाल वैसे ही गर्त में जा रहा है और मुझे लगता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। वही गैंगस्टर विकास दुबे का 10 जुलाई की सुबह उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानपुर के पास एक एनकाउंटर में मार गिराया। विकास दुबे के 30 साल के काले साम्राज्य के खिलाफ आवाज उठाने वाला शख्स 12 दिन से लापता है। बता दें कि राहुल तिवारी ने गैंगस्टर विकास दुबे के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई थी। इसी FIR की वजह से पुलिस की एक बड़ी टीम विकास दुबे को उसके घर गिरफ्तार करने गई थी, लेकिन अब विकास दुबे के खिलाफ FIR करने वाला राहुल तिवारी ही लापता हो गया। दरअसल विकास दुबे ने जादेपुर गांव निवासी राहुल तिवारी मोहिनी निवाला के ससुराल की 6 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा था, जिसे छुड़ाने के लिए राहुल ने पुलिस की मदद की। पुलिस के मुताबिक राहुल तिवारी घटना के बाद से ही अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर कहीं चला गया है। इस दौरान उसने अपना फोन भी बंद कर दिया, जिस वजह से उसकी तलाश की जा रही है। उसके लापता होने से आगे विवेचना नहीं बढ़ पा रही। पुलिस का मानना है कि विकास की मौत के बाद राहुल लौट आएगा ताकि उसका बयान लिया जा सके, लेकिन अब तक उसने किसी से संपर्क नहीं किया, जिस वजह से उसकी तलाश की जा रही है। वहीं कोरोना संक्रमित होने के शक में एक 19 साल की युवती को यमुना एक्सप्रेसवे पर यूपी रोडवेज की चलती बस से फेंक दिया गया था। इस दिल दहला देने वाली घटना में युवती की 30 मिनट बाद ही मौत हो गई थी। मृतका की पहचान अंशिका यादव के रूप में हुई, जो अपनी मां के साथ बस में सफर कर रही थी। मामले में पुलिस की लापरवाही भी देखने को मिली। घटना के तकरीबन 1 महीने बाद दिल्ली महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद बस कंडक्टर और ड्राइवर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया। बता दें कि यह घटना 15 जून की है। बताया जा रहा है कि अंशिका को घबराहट हुई तो मां ने उसे गोद में लिटा लिया, जिसे देखकर कंडक्टर ने कहा कि उसे कोरोना है। इसके बाद अन्य यात्री भी यही कहने लगे। कंडक्टर ने दोनों को बस से नीचे उतरने को कहा, लेकिन महिला ने उतरने से इनकार कर दिया था। इसके बाद कंडक्टर ने अंशिका पर कंबल डाल दिया, कंबल से ढक कर उसके पैर खींचते हुए बस से नीचे फेंक दिया। सिर में चोट लगने की वजह से अंशिका की मौत हो गई थी। वही खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र में एक भीषण हादसा हो गया। बता दें कि वाराणसी की तरफ से सोनभद्र आ रही बलकर वाहन अनियंत्रित होकर खेत में जा गिरी। इस हादसे में 2 की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर पहुंची पुलिस व अधिकारियों की टीम ने रेस्क्यू कार्य शुरू किया। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। क्रेन से गाड़ी को बाहर निकाला जा रहा है। वहीं वाहन में सवार अन्य लोगों ने आरोप लगाया है कि हादसे से चंद कदमों की दूरी पर शुक्रत चौकी होने के बावजूद भी पुलिस 1 घंटे बाद आई। स्थानीय लोगों ने बताया कि वाहन राख से लदी हुई थी और अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। वही खबर आ रही है बुलंदशहर से, जहां सोमवार रात
छतारी पुलिस और स्वाट टीम ने मुखबिर की सूचना पर नगलिया मोड़ से चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। उसी दौरान आरोपितों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। वहीं पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में एक और बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरे आरोपित को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार सहित होंडा सिटी कार भी बरामद की है। वहीं छतारी थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार ने बताया कि घायल बदमाश विशाल सातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद गौतम बुद्ध नगर में लूट हत्या के प्रयास सहित अन्य संगीन धाराओं में मामला दर्ज है। पुलिस ने बताया कि घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस द्वारा आरोपितों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। जल्द ही आरोपितों को जेल भेज दिया जाएगा। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।